जी हाँ, निकर्क क्लब में नाम लिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, और वो भी सबसे फर्स्ट टेस्ट 300 करोड़ पे अपनी फिल्म को ले जाना वाकई ही कमाल का है। तो सो आज मैं ऐसे ही इंडिया का फर्स्ट टेस्ट 300 करोड़ फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ, और ये लिस्ट इंडिया नेट कलेक्शन पर बेस्ड है। दोस्तों चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। पद्मावत 2018 का रहा है एपिक प्योर ड्रामा फिल्म, जिसको डिट किया था संजय लीला भंसाली ने, और इसमें शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका लीड रोल में नजर आई है, और तीनों का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस सबको किया है हैरान। और इसमें रतन सिंह और रानी पद्मावती की मैरिड लाइफ में सुल्तान अलाउद्दीन का एंट्री कैसे खतरा बन जाते हैं वही इसमें लिखी है, जिसका बजट था लगभग 215 करोड़, और ये फिल्म इंटरनेट पे 300 करोड़ का क्लब में नाम लिखाया था 50 डेज के अंदर। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूँ तो ये फिल्म लाइफ टाइम पे 585 करोड़ कलेक्शन दिया है, और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 11 सुल्तान 2016 का स्पोर्ट्स फिल्म, यान की लिस्ट पर भाजन सलमान खान का नाम भी आ जाते हैं, और इसमें उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियन सुल्तान अली का रोल प्ले किया है। बजट था 180 करोड़, और सुल्तान फिल्म 300 करोड़ नेट पे अपने नाम लिखाई है 30 डेज के अंदर, और लाइफ टाइम पे ये फिल्म दिया है 630 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 10 वार, यानी कि लिस्ट पे है ग्रीक गॉड ऋतिक का फिल्म शामिल, 2019 का एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर एक इंडियन सोल्जर और एक रफ फॉर्मर मेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखी है। बजट था 150 करोड़, और वार फिल्म 300 करोड़ नेट कलेक्शन पे अपने नाम लिखाई है सिर्फ 25 डेज के अंदर, और वार फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन आ जाते हैं 475 करोड़, और वार रहा बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। नंबर 9 बजरंगी भाईजान 2015 का भाजन सलमान खान का कैरियर में कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला फिल्म रहा बजरंगी भाईजान, जहाँ पर बजरंगी कैसे एक मिसिंग हुई पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की को बॉर्डर पास करते हैं वही इसमें लिखी है, और ये फिल्म हर एक ऑडियंस क्रिस को इमोशनल बनाई है। बजट था 90 करोड़, और ये फिल्म 300 करोड़ नेट क्लब पे अपने नाम लिखाई है 20 डेज के अंदर, और लाइफ टाइम पे ये फिल्म दिया है 922 करोड़ की कलेक्शन, और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 8 पीके, यानी कि लिस्ट पे है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का फिल्म शामिल, 2014 का ये रहा सैट्रिकल कॉमेडी फिल्म, जहाँ पर आमिर ने इसमें एक एलियन का रोल प्ले किया है, और इसका स्टोरी दुनिया पे धर्म को लेकर कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट की गई है। बजट था 100 करोड़, पी के फिल्म 300 करोड़ नेट कलेक्शन दिया है लगभग 18 डेज के अंदर, और लाइफ टाइम पे पी के दिया है 854 करोड़ की कलेक्शन, और आमिर का ये फिल्म भी रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 7 टाइगर जिंदा है, लिस्ट पे और एक बार भाईजान सलमान का फिल्म आ जाते हैं, 2017 का ये रहा एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर एक रॉ एजेंट टाइगर और जॉया का फोर्स मिलकर कैसे टेररिज्म के अगेंस्ट में करते हैं फाइटिंग वह इसमें दिखी है, और ये है भाईजान का कैरियर में मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज। बजट था 180 करोड़, और ये फिल्म 300 नेट क्लब पे अपने नाम लिखाई है 16 डेज के अंदर, और लाइफ टाइम पे ये दिया है 570 करोड़ की कलेक्शन, और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 6 संजू 2018 में बायोग्राफिकल फिल्म आया था, जहाँ पर रणबीर कपूर ने बॉलीवुड के बाबा संजू का रोल प्ले किया है, और जिसको मिला है ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बजट था 100 करोड़, ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब पे अपनी नाम लिखाई है लगभग 15 डेज में, और लाइफ टाइम पे संजू फिल्म दिया है 586 करोड़ की कलेक्शन, और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 5 दंगल मिस्टर परफेक्शनिस्ट का फिल्म लिस्ट पर और एक बार आ जाते हैं, 2016 का ये रहा स्पोर्ट्स फिल्म, जहाँ पर परफेक्शनिस्ट ने एक फॉर्मर रेसलर महावीर सिंह पोघत का रोल प्ले किया है। बजट था 70 करोड़, और दंगल 300 करोड़ नेट क्लब में अपनी नाम लिखाई है 13 डेज के अंदर, और लाइफ टाइम भी ये फिल्म दिया है 2070 करोड़ का एक मैसिव कलेक्शन, और ये रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 4
KGF चैप्टर 2। हाँ दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश का फिल्म है शामिल इस लिस्ट पे, और यहाँ पर यश का एंट्री, उनका पावरफुल स्टाइलिश परफॉर्मेंस रहा फायरिंग, और KGF 2 हर एक ऑडियंस के दिल में एक ब्रांड वाला फिल्म है। जहाँ पर इसमें कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर रॉकी भाई और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखी है, बजट था 100 करोड़, ये फिल्म 300 करोड़ नेट पे अपने नाम लिखाई है सिर्फ और सिर्फ 11 डेज में। और लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूँ तो ये दिया है 1250 करोड़ की कलेक्शन, और ये रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 3, बाहुबली 2, यानी कि लिस्ट पे आ जाते हैं रेविस्टा प्रभाष का फिल्म। 2017 का ये रहा एपिक एक्शन फिल्म, और बाहुबली का स्टोरी हर कोई जानते हैं। बात करूँ कलेक्शन की, जहाँ पर इसका बजट था 250 करोड़, और बाहुबली 2 300 करोड़ क्लब में अपने नाम लिखाई है सिर्फ 10 डेज के अंदर, और लाइफ टाइम पे ये दिया है 1810 करोड़ की कलेक्शन, और ये भी रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 2, गदर 2। हाँ दोस्तों, सनी देओल ने भी इस लिस्ट पर लिखाई है अपने नाम, और ये रहा रिसेंट रिलीज 2023 का प्योर एक्शन फिल्म, जहाँ पर सनी देओल को तारा सिंह के अवतार में नजर आई है। और इसका स्टोरी 1971 का इंडो पाकिस्तानी वॉर पर बेस्ड था, और सुनामी वाला कलेक्शन दे रहा है गदर 2 फिल्म। बजट था 100 करोड़, ये फिल्म 300 करोड़ नेट क्लब पे अपने नाम लिखाई है सिर्फ और सिर्फ 8 डेज के अंदर। और बता दोस्तों, अभी भी ये फिल्म थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग है, और अभी तक की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आ जाते हैं 380 करोड़ के आसपास, और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 1, पठान 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म, और इस फिल्म को देखकर बादशाह एसआरके ने एक पावरफुल कमबैक किया था, और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस तोड़ कर दिया है कलेक्शन, जहाँ पर एसआरके ने प्ले किया है रॉ एजेंट का रोल, और उस टाइम पे काइजर रिकॉर्ड भी तोड़ा था ये फिल्म, जिसका बजट था 250 करोड़। पठान 300 करोड़ नेट पे अपने नाम लिखाई है सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर, यानी कि 1 वीक के अंदर पठान ने ये रिकॉर्ड हासिल किया है, और बन गई है फर्स्टेस्ट 300 करोड़ क्लब वाला फिल्म पूरी इंडियन फिल्म हिस्ट्री पे। और लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूँ तो जहाँ पर ये फिल्म 1015 करोड़ तक कलेक्शन दिया है, और पठान रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। यानी कि देखा जाए तो लिस्ट पर सबसे ज़्यादा 300 करोड़ क्लब वाला फिल्म है भाजन सलमान खान के नाम पे, उनका है टोटल 3 फिल्में। और नंबर 2 पे आ जाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, उनका इस लिस्ट पे है टोटल 2 फिल्में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मालिश हज़रीन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।